तो देख ले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज बहुत सारे इवेंट्स हमारे घर में हुए हैं और वो कुछ वैसे भी ड्यू थे, करने भी थे और कुछ मुइज भी आ रहा है। तो एक तो मैं ये लेकर आई हूँ कॉफी बीटर। अच्छा, ये दो किस्म के थे, एक ये सेल है, ओके यस। ये मिल्क फ्रॉथर भी कह सकते हैं आप, और इससे कॉफी भी बीट की जा सकती है। राइट। लेकिन मेरा ये मुझे ये लगता है कि जब वो गाढ़ी होने शुरू हो जाए तो फिर आप इसको बंद कर दें और फिर हाँ आप बाकी कांटे से कर लें, नहीं तो ये जल जाएगा। बिल्कुल। इसका एक और भी वर्जन था जो किसी और कंपनी का था, आई थिंक फिलिप्स का है या किसका है, वो 3,000 का था और ये 500 का है, ओके। और ये इसके साथ सेल मैंने मंगवाए हैं, ये सेल से चलता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर बेड जो था वो खाना कावा की तरफ टांगे हो जाती थी, उसकी एक मेरे ख्याल में मुजीब ने चेंज कर ली भी है, और क्लिप आपने नहीं बनाया होगा मैंने वो उस वक्त तो नहीं बनाया, लेकिन बाद में बना के यार। मैंने मुझे दिखा दिया व्यूअर्स का, था। आपको जब आप ख्याल ही नहीं करेंगे व्यूअर्स का तो कोई आपसे प्यार ही नहीं करेगा। ओहो, एवरीवन इज गोइंग टू बी माय व्यूअर। एवरीबडी इज गोइंग टू हेट हाँ, और मी। एक नीचे से फ्रिज हम ऊपर लेकर जा रहे हैं क्योंकि मुइस का कुछ नाश्ते का सामान वगैरह और कुछ छोटे मोटे स्नैक्स के लिए मैं सोच रही हूँ कि जहां पर उसका कमरा है वहीं पर ही वो शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए आ रहा है तो जरा आराम से एंजॉय करके एक लग्जरी रूम में हम बना रहे हैं उसके लिए। राइट। और तीसरा क्या काम था, वायर। वायर वो भी लगवा दिए, मैंने मंगा लिया था और अभी मैं दिखाने लगा हूँ कि जी किस तरह से और हमने चौथी लगाया। बात यह है कि हमारा माली बिन्यामीन भी आया हुआ है। अब आप ये देख लें कि इस वक्त सारा दिन गुजर चुका है, बाहर अगर आप नजर मारें तो तो बाहर अंधेरा ही अंधेरा हो गया अंधेरा। हुआ है, लेकिन बाबा आपको कुछ भी नहीं बताते हैं सारे दिन का। तो जब मैं आती हूँ तो फिर मैं बताती हूँ कि यार सारा दिन क्या हुआ, क्योंकि हमारा जो डेली का व्लॉग होता है सब आप सब मुझे भी इंतजार कर रहे होते हैं कि बताएं कि आपके घर में हो क्या रहा है, कार्रवाई क्या हुई लेकिन है आप वही हैं, सुम मुन बुक मुन ओमियन। जी। अभी आप देख लें, ये हमने ये छोटा छोटे वाले फ्रिज फ्रिज का की चीजें सामान, निकाल दी, छोटे फ्रिज ये का तो मुझे लगता सामान है मक्खन उस दिन जो हम लाए ये, उस थे। दिन जो मक्खन लाए थे मुझे वो मुझे ये है, बताएं कि वो अमरूद और कहाँ गए, अमरूद जो है उस कमरे में उसने रखे, किस कमरे में। साथ वाले टू बी उसमें। वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोग यहाँ मेरे पास इस वक्त खड़े हुए होते, मैं हाँ अपने प्यारे व्यूअर से बात कर रही हूँ, तो हर चीज लग रहा है कि अमरूद है, अमरूद है बिल्कुल। यू हर राइट, चीज में अमरूद की स्मेल अमरूद है। है बिल्कुल, सही है बिल्कुल सही है। और ये अमरूद, ये देखो इस डब्बे में, ये अमरूद है जी, इसको भी हम खाली करके दूसरे फ्रिज में करेंगे और ये थोड़ी देर बाहर ही रखेंगे ताकि ये अमरूद स्मेल फ्री कंटेनर बन जाए, और फिर इसको हम और ऊपर वाले फ्रिज में से अमरूदों की स्मेल कैसे निकालें, प्लीज हेल्प मी आउट, वो निकली हुई है, आओ हेल्प जरा मी दुर्दाना। ऊपर ऊपर देखते हैं ये देखते हैं वाला जी, जो ऊपर मेरा हमने चुड़िया कैसा हुआ क्या हुआ कुछ है। किया हुआ है। आज बहुत रश था, मैं थक के गई हूँ। अच्छा हाँ, एक व्यूअर भी आई थी अच्छा पेशेंट बन के क्लिनिक में जी। अच्छा, ये फ्रिज यहाँ पर नहीं, मुझे नहीं, फ्रिज फ्रिज पर हमने इसलिए यहाँ पर रखा था क्योंकि वहां पर सारी वायरिंग हो रही थी, अभी सारी वायरिंग मैंने कराई ये है। फ्रिज हो गया है साफ, ये जनाब आप इसको देखिए खुला ना रहने देता कि खुला अमरूद की रहे। स्मेल। अच्छा जी, यहाँ से आप लोगों को याद होगा कि एक तार यहाँ से हाँ, जाती थी यहाँ से और वो तार मुजीब जाती ने थी। इतना बेस्ट काम किया है कि ये देखें, ये पूरी मुजीब यहाँ से क्लोजअप ले ना, हाँ या ये देखें, ये देखें, साथ साथ जाके, और ये भी इसकी क्योंकि आप पीछे लगी यकीन है। करें, हाँ मतलब आप यकीन करें कि जब भी मैंने यहां आना तो मेरी एक दफा तो ठुड्डा जरूर लगता। ठड्डा जरूर खा तुमने, नहीं हर एक अच्छा मुझे मेरे मेरी बात सुने, मेरे व्यूअर्स भी मुझसे सहमत होंगे कि ने ये वाली जो कारपेट है ना हाँ इसको इधर कर दे, आए हाँ जरा क्लोजअप लेना इसका, इसको ओके इधर हाँ कर दे, उसको इधर कर दे और इसको उधर कर दे, अच्छा इट ओके गोज विद द कर्टन्स, अच्छा ओके ठीक और है वो यहां पे अच्छी लगेगी क्योंकि ये सारी रेलिंग वगैरह एंड एवरीथिंग इज मस्टर्ड, ठीक वो भी है मस्टर्ड है, तो उसको यहां कर देते हैं, हाँ इसको वहां ले जाते ठीक हैं। है ठीक है ओके, अभी कर देते तो हैं। ये थी अभी तक की रुदाद। अच्छा, अब नहीं इसमें एक चीज रहती है, वो हाँ नीचे जो कमरा मुजीब ने बहुत मेहनत से सेट किया है उसका मैं आपको अभी उस रूम का रूम टूर देती हूँ। नंबर हाँ हाँ थोड़ी सी नमी वगैरह जो थी इसमें वो हाँ सारी तो बदली गई अभी।
ठीक है, अभी बिल्कुल खुश बड़े प्यारे हो गए आप सर। ठीक है, अभी इसके बाद हमने एक और करावी करनी है कि ये वाला कारपेट जो हमने अंदर ले जाना है जी जी उस वाले कमरे में जी, और जो है वहाँ वाला जो है छोटा वाला वहाँ हमने दे लगाना है। मीन वाइल मैं अगर बनी मीन से बात करूँ जी, वो आया हुआ है और ये रानी खड़ी है, मैंने इसे कहा कि कैमरे से जो है इसने अभी हमारी मूवी बनानी है। बनियामीन अभी क्या सोचा है अभी गुलाब के बारे में? गुलाब अभी लगाएंगे ना। हाँ सीजन शुरू है तो किस तरह से लगाओगे, क्या आप कलमे लगानी है क्या? कलमी गुलाब लगेगा, कलमी गुलाब लगेगा, कलम नहीं लग सकती ना? नहीं नहीं कलम लगेगी तो फिर डेर लगेगी है ना, वो देसी हो जाएगा। ये जो तुमने लगानी है कलम, लेकिन उसके अंदर ग्राफ्ट हुआ हुआ है ना? हाँ जी। तो वो कैसे पता लगे कौन सा कलर क्या है? वो रेड पीला नहीं नहीं वो उसमें लगा हुआ होगा फूल जब हम लाएंगे। हाँ जी फूल लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुमने बाहर तैयार कर ली है वो सारा? हाँ, क्यारी बाहर तैयार। हाँ जरा देखिए अच्छा ओके, ये जो है ये क्यारी तुमने तैयार कर ली है? ये क्यारी कितने कितने फासले पे लगाना है हमने? ये तकरीबन डेढ़ फुट पे। डेढ़ डेढ़ फुट पे, तो ये इस पे कितने लगेंगे तकरीबन? ये तकरीबन 15 से 20 बूटे लग जाएंगे। 15 से 20 बूटे लग जाएंगे ठीक है। हाँ काफी तकरीबन लग जाएंगे 15 को। 15 का फ्रंट काफी है ना? चलो ठीक है, मेरा ख्याल बड़ा अच्छा हो जाएगा वो। हाँ जी। और बाकी ये जो है किड़े किड़े कलर लगवाने ना जो उनसे तुम समझते हो अच्छे हो? ज्यादा तकरीबन पीला भी अच्छा लगता है लेकिन वो रेड जड़ा ना पीला मुख्तलिफ लगाएंगे ना, पीला लगाएंगे, रेड लगाएंगे, ब्लैक लगाएंगे, सिर्फ बीच में उसमें दो तीन कलर होते हैं। हाँ वो ले आएंगे ना ठीक है, दो तीन बूटे वो बीच लाएंगे मिक्स करके लाएंगे। हाँ तो हम डिसाइड कर लेते हैं कितने जाने पर ले आएंगे ठीक है। एक तो मोटे फूल वाला जड़ा ना लगा ना ऑरेंज कलर वाला, हाँ वो लगा रहेगा ठीक है। वो तुमने उसकी कलमे नहीं काटी? उसको काट देंगे ना वो अभी कटेंगे, उसे आजकल कटाई हो रही है ना? हाँ शुरू कर दी थी कटाई। ठीक है ओके। नहीं जी अभी हमारे ये फाइनल आइटम रह गया था, बाकी हमने सारा कमरा सेट कर दिया, अभी ये आइटम रह गया है। इसको मैं बताता हूँ कि इसको हाँ बैठ के इस साइड पर ठीक है ना, पता है ना? सही साहब। हाँ ये इसके साथ लगा दो, सेंटर में आए बस, ये दोनों तरफ देख लो डिस्टेंस एक जितना होना चाहिए। ठीक हो गया, थोड़ा सा आगे इधर आएगा। हाँ ठीक है ठीक है, अभी चेक करो। चलो ये फासला ठीक है। हाँ बस ठीक ओके। आ लिया कमरे से? जी सर। हाँ चलो आओ ले लो, इसको जो है ना इधर इधर रखना इधर। ठीक सर। ठीक हो गया जी सर ओके। कारपेट उधर ले जाते हैं और उधर वाला इधर ले आते हैं, टेबल हटाओ ना जरा साइड पर कर दो ठीक है। ये कारपेट उठाए जनाब, इसको इधर बिछाना है और इसको उठाना है हमने बाहर ले जाना। चलो पहले ये बिछा देते ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बस ठीक है, फर्स्ट क्लास ओके। ये ठीक हो गया, अभी अभी वो वाला उधर उधर जहाँ पे ये बिछा हुआ था उसे बिछा होता ये वाला। हाँ ये ऊपर आ जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है, गुड हो गया ठीक हो गया। अभी ये हमारे फ्रिज, अभी ये हमने फ्रिज रखना है। आओ जी जी जो है यहाँ से उठाकर, हाँ यहाँ से अंदर रखेंगे। हाँ ये इस जगह पे रख रही है सर। हाँ हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल यहाँ जहाँ से हमने वो छोटी वाली अलमारी उठाई है ना जी, रखे हैं जी सर उसकी जगह ये रखना। चलो जी उठाओ
दोनों मिलकर आराम से त्यास उठा लो। और इसको रखने के बाद तुम्हें पता है ना कि तकरीबन 30 से 40 45 मिनट तक चलाना नहीं है, बंद रखो, उसके बाद चलाना है। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा सेंटर में कर दो ना, दीवार दोनों तरफ एक फास। अभी नहीं चलाना, अभी नहीं चलाना, बाद में लगा देते हैं, ऑफ कर देते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ठीक हो गया जी। वो चल तो नहीं गया, नहीं सर, चलो ठीक है, सेंटर में करो ना, ये देखो ना, ये फासला, ये देखो ना, ये फासला और ये फासला ना दोनों तरफ। चलो बस ठीक है, गुड गुड, थोड़ा सा इधर आना चाहिए, नहीं बस ठीक है, उधर दरवाजा है ना, खैर है, ठीक है, बड़ा वाला दरवाजा है, ठीक है, ओके गुड, थैंक यू। मुझे इसको मैं निकालना चाह रही हूँ, इसके अंदर ना सेल डाल के देखते हैं कि चलता भी है कि नहीं, ये सस्ते वाला लाई हूँ ना, ठीक है। असल में मुइज बेसिकली कॉफी लवर है, हाँ ही लव्स कॉफी, उसके पास तो वहाँ वो कॉफी वाला वो है, तो इधर ये इसके अंदर डालेंगे सेल दो अदद, ठीक है, ये डालते हैं। ये और ये हाय 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 हाय, पहले चल पड़ा है, पहले चली है वो, तो पहले तैयार था, तो वार्निंग ही नहीं दी, ये है ना, बड़ा बदार है ये बंद, और ये लेकिन आप में से बहुत सारों ने मुझे एक दफा पहले कहा था कि अगर आपको कॉफी बनानी है तो आप वो मग ले आए, वो अब शाहीन डी वॉटसन में नहीं है, अगर किसी को पता है कि इस्लामाबाद में वो कहाँ अवेलेबल है मग, जो अंदर ही चर्निंग होती है जिसके, जैसे कि मिल्क फ्रॉथर वगैरह या कॉफी को अगर आपने करना है तो वो मुझे प्लीज काइंडली बताएं, और मैं आपको आए आकर दिखा देती हूँ कि ये देखें कि कितना अच्छा हो गया है, ये यहाँ पर कितना खूबसूरत लग रहा है, हाँ। ये चेंज हो गया है, आपने दिखा दिया हुए पहले, चेंज करते हुए दिखाया मैंने, अभी तुम उनको दिखा दो, ये देखें कि ये इस कमरे में कितनी खुश रही है, वे, वे। वे उठ के अंदर में चले ही ना जाए कहीं, और मैं जिम से हो रही हूँ लेट, तो फिर तुम जाओ, बस ठीक है तुम जाओ जिम, तो ये देखें जी बहुत अच्छा लग रहा है, और ये बिल्कुल पर्दों के साथ जो है ना मैचिंग हो जा रहा है कमरे की, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रिज भी ग्रे सा है, हाँ ये इसके साथ बड़ा अच्छा जा रहा है बिल्कुल। अभी नीचे वाला कमरा अभी ही दिखा दूं, चलिए हाँ दिखा दो ना, बड़ी अनथक मेहनत की गई है जो कि मुजीब ने और ड्राइवर ने की है, और उसके बाद इस कमरे की बिल्कुल लुक चेंज हो गई है। अगर आप लोग पुराने हमारे व्लॉग निकाल कर देखें जिसमें कि सलमान खालू और आलिया आई हुई थी, तो सलमान के लिए ये कमरा था, यहाँ पे बैठ के वो अपना कंप्यूटर वर्क करता था, और बिल्कुल चेंज कर दिए हमने, कमरे सारे ही मतलब अच्छे हो गए हैं अब, और मुइज का जिसमें दिल चाहे वो रह सकता है, लेकिन मुझे लगता है वो ऊपर वाला प्रेफरेबली कमरा जो है ही वुड लाइक, क्योंकि वहां पर जरा वाईफाई अच्छा आता है, और ये वाले कारपेट्स जो हमने ऊपर से निकाले हैं ये सारे वॉश हो जाएंगे, और इनको फिर हम कहाँ पर बिछाएंगे ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आ जाए फिर कमरे में, आ जाए देर कैसी, ये देखें, आपको याद होगा कि ये कमरा जो है इसमें ये बेड इस तरह से था पहले, तो उसके दो ना फायदे थे, एक तो कमरा बहुत भरा भरा लग रहा था, और दूसरा खाना काबा की तरफ जो है वो टांगे हो रही थी, तो इसको हमने इस तरह से कर दिया है। अभी ये थोड़ी सी गद्दियां वदियां और बाकी सारी चीजें भी इसकी ठीक करेंगे, और छोटी मोटी चेंजेस करेंगे, लेकिन मुझे मैं ये सोच रही हूँ कि अगर कोई मेहमान बेचारा आया तो वो ये ऐसे करके टीवी कैसे देखेगा, क्योंकि टीवी इधर दिखा दें, दिखाई कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये टीवी अगर वहां सामने आ जाए, लेकिन वहां पर दिखाएं तो वो देखे वैनिटी है, वैनिटी है, और फिर उसकी जो सारी वायरिंग हुई, वहां जाकर ना
तो वो सिर्फ टर्न मार के वो दिखाएं, थोड़ा सा फिर क्लोज अप भी इधर उधर का दिखाएं। यस, ये और ये वैनिटी की ब्यूटी, ये कैप इधर से ऑन करें तो ये देखिए, वाह जी वाह, ये देखिए चंदन ही चंदन। तो ये अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस कमरे की लुक इस तरह से कैसी हो गई है। इस तरफ हो गई वैनिटी, इस तरफ जो हो गया हमारा बेड जनाब, साथ ये एक बड़ा ही खूबसूरत सा टेबल लैंप है। ये ऑन होता है? ऑन होता है, लेकिन अभी मैंने उसको डिस्कनेक्ट किया, फिक्स नहीं किया हुआ, क्योंकि अभी अभी हमने चेंज किया है। पलंग को उठाना बड़ी अनथक मेहनत है, यहाँ तक कि ये गद्दा ही बहुत हैवी है। गद्दा इतना हैवी है कि इसे 3-4 बंदे उठाए। और ये हमारी एक विंग चेयर है जो मुझे बहुत पसंद है, इसको विंग चेयर कहते हैं क्योंकि इसके साथ जो ये चीजें हैं, इट इज लाइक अ विंग। और ये मैंने खास तौर पर बनवाई थी, मेरा ही फर्नीचर वाला जो कि आजम है उसको मैंने एक डिजाइन दिखाया था बड़े अच्छे फर्नीचर के ब्रांड का, और उससे उसने 100% मुझे कॉपी करके दिया था। तो ये मुझे चेयर बहुत पसंद है, इसके ऊपर इसी से मैचिंग जो है वो ये पेंटिंग लगाई हुई है। इसका क्लोजअप जरा दिखाइए, इस तरफ आगे आकर दिखाए, ये देखें ठीक है। और इसके साथ हमने ये एक बोल रखा हुआ है, इसके नीचे जो प्लेट है वो गोल्ड, उसकी में गोल्ड की ये आ रही है, ये देखें, ये है भी गोल्ड की भाई जी, प्योर गोल्ड है। मतलब इसमें से अगर निकाल के मैं पूरा एक सेट तो बनवा ही सकती हूँ, नहीं तो अपने कोई चेन या टॉप्स तो मेरे बन ही सकते। ये गोल्ड की जो प्लेटिंग है हल्की सी, दूसरा ये इसके अंदर जो ये तस्बीह है ये भी बहुत ही यूनिक और खूबसूरत है, और ये भी इसके साथ मैचिंग है अगर आप गौर करें तो। नहीं मुजीब, अच्छा ये आपको अब यहाँ पर ये गौर करना पड़ेगा कि आपको कलर सही नजर नहीं मार आ। मार खा गया हूं। क्योंकि ये गाइस ये देखिए, ये ग्रीन है है ना, और ये जो ये है ये एक शेड ऑफ ब्राउन है। नीचे हमारे जा नमाज पड़े हुए हैं मुजीब, ये नीचे और नीचे क्या है? वो एल्बम शेल्बम है वो। अच्छा वो एल्बम से पुरानी, अभी बहुत सारी तस्वीरें भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इसके साथ एक छोटी सी अलमारी भी है जिसमें हमारी ये पुरानी वीडियोस भी हैं और वीसीआर भी पड़ा ये है। वीसीआर नई जनरेशन को तो शायद बिल्कुल नई जनरेशन को पता ही ना होगा वीसीआर होता क्या। 80 की दिहाई का जो सामान है वो भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये हमारे आज का ये हमने एक चेंज की थी, हमने कहा ये हम आपको दिखाएं। अभी मुझे लगता है कि वो जो ब्लैक वाला कारपेट है दैट इज अ वेरी गुड वन, हाथ का बना हुआ यार कारपेट है, उसको धुलवा कर मैं सोचती हूँ कि उसको यहाँ पर लगाऊं और इसको ऊपर जहाँ पे वो हमारा टेबल पड़ा हुआ है और जो टेरेस के एन बाहर जगह है वो खाली है, एम्प्टी है, इसको छोटे से कारपेट को उधर ले जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये चेंजेस अच्छी लग रही होंगी। मुइज के आने के दिन अभी बहुत कम रह गए हैं, तो जैसे जैसे चेंजेस होती रहेंगी, जो जो चेंजेस होती रहेंगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी चल के देखते हैं कि रानी ने आज पकाया हुआ क्या है। अच्छा ये भी दिखाना भी। ये है जी रानी का डिपार्टमेंट, रानी के डिपार्टमेंट में आज उसने क्या बनाया हुआ है दिखा रहे हैं। रानी ने आज बनाई है पालक, पालक है जी और आलू गोश्त, बड़ा मजेदार यमी सा आलू गोश्त लग रहा है। भूख बहुत लगी हुई है लेकिन मेरे ख्याल में अभी, क्योंकि देखें अभी सिर्फ 6:15 हुए हैं और बाहर लग रहा है आधी रात हो गई है, लेकिन एक क्विक सा चक्कर मैं जिम का लगाती हूँ, वापस आती हूँ तो फिर होगा डिनर। और ये हमारी आज की रूटीन थी, रोजाना की रूटीन हम दिखाते रहेंगे, जब मोइज आ जाएगा तो रूटीन ज्यादा वो हो जाएगी। तो मेरा मैं चाहूंगी कि मैं दो दो व्लॉग्स भी आपको अगर देना पड़े तो वो मैं दूंगी इंशाल्लाह। और साथ साथ ही हमारे रहें, कहीं पर भी नहीं जाना, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, दुआ करें कि मुईज का सफर अच्छा गुजरे। अगले ब्लॉग तक के लिए मेरे, रानी, ड्राइवर साहब, मुजीब सबकी तरफ से अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।